हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल फ़िश स्टार्टर बताने वाली हूँ। सो मैंने ये फ़िश लिया है, इसका नाम फोरलैन फ्लाइट है। आप कोई भी फ़िश ले सकते हो जो बोनलेस है, तो ये बोनलेस फ़िश है। तो आप सामान ले सकते हो, समकोर ले सकते हो, स्टर्जन ले सकते हो, फ़िश आप बोनलेस फ़िश कोई भी ले सकते हो। फ़िश बहुत ही हेल्दी है, इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, विटामिन डी, B2 और बहुत सारे मिनरल्स लाइक आयरन, जिंक, आयोडीन, मैग्नीशियम बहुत सारे होते हैं। सो इसीलिए फ़िश आपको रिकमेंडेड है कि आप वीकली ट्वाइस खा सकते हो अपने डाइट के हिसाब से। सो आप अगर कुछ डाइट फॉलो करते हैं तो आप फ़िश खा सकते हो। सो मैंने इसका स्किन बहुत स्लोली से पील ऑफ कर लिया है, बहुत स्लोली से निकालिए और वॉश करके मैंने छोटे छोटे टुकड़े मैंने काट लिए इसको, ये देखिए। और इसमें मैं 1 टेबल स्पून ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा डाल रही हूँ, और अभी मैं 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर डाल रही हूँ। मैं सारे मेजरिंग्स अच्छे से दिखा रही हूँ। सो मैं अभी 1 टेबल स्पून डाली थी और अभी मैं 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च डाल रही हूँ यानी कि कॉर्न फ्लोर, और अभी मैं 1/4 स्पून क्यूमिक पाउडर यानी कि जीरा का पाउडर डाल रही हूँ मैं, ये देखिए। इसका फ्लेवर आपको अच्छा रहेगा। और 1/2 स्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, वो टीस्पून है, टेबलस्पून और टीस्पून में बहुत फ़र्क होता है। सो ये 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर है और 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर है। मैंने चिल्ली पाउडर आगे भी जाके चिल्लीज डालूँगी, इसीलिए मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। और मैंने थोड़ा फूड कलर डाल दिया, आप फूड कलर इग्नोर कर सकते हो अगर आपको फूड कलर पसंद नहीं हो तो वो ऑप्शनल है। तो इसको अच्छे से मिला लीजिएगा, थोड़ा सा वाटर, थोड़ा सा वेरी लिटिल सा वाटर डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसे मिक्स करने को तकलीफ़ हो रही हो तो आप सारे पाउडर्स जो फ्लोर्स सब मैंने डाला है वो अलग से बाउल में मिक्स कर लीजिए और उसका एक बैटर टाइप बना के आप फिश के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। और अभी मैंने 1 पैन ले लिया है और उसमें मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, तो मैं नियरली 3 to 4 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ फ़िश को फ्राई करने के लिए। अगर आप डाइट के हिसाब नहीं पका रहे हो तो आप नॉर्मल रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हो, और या आपको ऑलिव ऑयल भी बहुत ज़्यादा बहुत कम लगाना हो तो आप एक ब्रश लेके ऑलिव ऑयल को फिश के ऊपर ब्रश से लगा दीजिए और ओवन में पका लीजिएगा थोड़ी देर, फ्यू मिनट्स। तो मेरा ऑयल गर्म होने के बाद मैं फ़िश को डाल दिया है और उसको अच्छे से पकने दे रही हूँ बोथ साइड्स। आप फ़िश ब्राउनिश, गोल्डन ब्राउनिश कलर आने तक फ्राई कीजिए, आपको मैं दिखाऊंगी कौन सा कलर आएगा। देखिए ऐसे बोथ साइड्स आप अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। फ़िश बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा है और ये आप डाइट में यूज़ कर सकते हो, आप नाइट विदाउट राइस और रोटी जस्ट फ़िश खा के सो सकते हो। सो नाइट में थोड़ा इनटेक थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो इन दैट सेंस आप ऐसे कर सकते हो। तो मैंने एक टिश्यू पेपर लेके उसमें फ़िश मैंने निकाल दिया है अच्छे से, मैंने सारे फ़िश 2 to 3 times एक ही पैन में नहीं जा रहे थे तो मैंने 3 times डिवाइड करके फ्राई कर लिया है। और मैंने अभी एक जार ले लिया है और उसमें 3 red chilies डाल दिया, और अभी मैं 1.5 tablespoon टोमेटो केचप यानी कि टोमेटो सॉस डाल रही हूँ, और इसके बाद मैं 1/2 टोमेटो डालूंगी, ये देखिए 1/2 टोमेटो। अगर आप ग्रेवी कुछ ज़्यादा चाहते हो तो आप टोमेटो सॉस और टोमेटो का क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हो। सो इसका मैंने पेस्ट बना लिया है, ये देखिए। अब ये मैं आगे जाके यूज़ करूँगी
और जो सेम पैन है उसमें से मैं थोड़ा सा एक्सेस ऑयल निकाल दे रही हूँ, तो इसमें बस लिटिल सा लाइक 1 टेबल स्पून ही है ऑयल। तो उसमें मैं अदरक डाल रही हूँ, अदरक छोटे छोटे पीसेस काट के मैंने डाल दिया है, और अभी मैं लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े काट के डाल रही हूँ, और और अभी मैं क्यूमिन सीड्स, थोड़े से क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा डाल रही हूँ, थोड़ा सा जस्ट 1/2 टीस्पून है जीरा। तो इसको मैं 2 मिनट्स तक पकने दूंगी ताकि इसके फ्लेवर्स अच्छे से आए। ये देखिए, आप अच्छे से धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पका लीजिएगा इसके फ्लेवर्स फिश में जाने के लिए। आप वीडियो मेरा पूरा देख रहे हो तो आप ज़रूर बताइएगा कि आप ये डाइट में डालना चाहोगे या नहीं। आपको कैसा स्पेसिफाई होने पकाना पसंद है ऐसा आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ओवन में पकाना अच्छा लगता है या ऑलिव ऑयल यूज़ करना अच्छा लगता है ऐसे। तो उसके बाद मैं अभी मैं टोमेटो और चिल्ली का पेस्ट जो हमने बनाया है वो पेस्ट मैं इसमें डाल के 5 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। टोमेटो हमने टोमेटो डाला था इसीलिए थोड़ी देर पका लीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स को और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए बताइएगा उनको। मैं बहुत ही खुश होंगी, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और पानी डाल के थोड़ा हिला रही हूँ, हिला आई मीन थोड़ी देर थोड़ा मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, अगर आपको ये क्रीमी टाइप ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप टोमेटो और केचप का पेस्ट जो है आप थोड़ा सा ज़्यादा बना सकते हो। और इसमें मैं जो फ्राइड फिश हमने फ्राइड किया है तो वो मैं उसमें डाल के बोथ साइड्स वो टोमेटो ग्रेवी जो है उसको मैं अच्छे से अप्लाई करके 2 to 5 मिनट्स तक पकाऊंगी। ये स्मेल बहुत ही अच्छा है और अट्रैक्ट देखने में अट्रैक्टिव भी नहीं, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, सब कुछ है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। और वो जिंजर और गार्लिक के पीसेस, उसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा होता है जब हम उसको टेस्ट करेंगे। तो अगर आपके घर पे कोई स्पेशल दोस्त, कोई रिलेटिव्स, कोई भी हो जिसे आपको इम्प्रेस करना हो तो ये आप पका के खिलाइएगा। आई बेट यू यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ये देखिए, बहुत ही यम्मी सा है। तो मैंने 5 मिनट्स तक इसको अच्छे से कुक कर लिया है। अभी मैं कोरिएंडर लीफ यानी कि धनिया के पत्ते मैं इसमें डालूंगी थोड़े से। जस्ट ये देखिए, फिनिश हो गया हमारा फिश करी रेस्टोरेंट स्टाइल स्टार्टर, फिश स्टार्टर है ये। तो यमी एंड हेल्दी इज़ रेडी। सो सर्व इट हॉट, गरम गरम सर्व कीजिएगा, बहुत ही यमी है। यू कैन टेस्ट इट विथ ऑल्सो केचप और माइनस। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपको पता है ना, तो जाइए फिर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड वेरी वेरी थैंक यू टू वॉच माई वीडियो फुल्ली। अगर आपके पेरेंट्स को, मम्मी हो, पापा हो या भाई हो, किसी को भी इम्प्रेस करना हो, यू नो सरप्राइज करना हो तो ये ज़रूर पका के खिलाइएगा, वो ज़रूर सरप्राइज होंगे। बाय।